सरकारी बैंकों का निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में मोदी सरकार को लेकर आक्रोश पनप गया। हम नहीं सहेंगे हिटलर शाही का राज। महू में मंगलवार को ड्रीमलैंड स्थित सभी सरकारी बैंक अधिकारी व कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। बैंक के अधिकारियों ने बताया कि यदि सरकार निजीकरण करती है तो बैंक उपभोक्ताओं को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। बैंक के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि दो दिवसीय हड़ताल चल रही है और सभी बैंकों के ताले तक नहीं खोले गए हैं। यह हड़ताल सरकार की जनविरोधी बैंकिंग और आर्थिक नीतियों व सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के निजीकरण एवं विनिवेश सरकार के फैसलों के विरोध में आम जनता, किसानों, लघु बचतकर्ताओं, पेंशनभोगियों, छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमियों, व्यापारियों, स्वरोजगार विद्यार्थियों, महिलाओं, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार के रूप में देश के 95% जनता के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, किंतु सरकार निजीकरण कर देश की जनता पर भी बोझ लाद रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दूसरे दिन महू में देखने को मिला। ग्लोबल न्यूज टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिस नीतियों के खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नीतियों में अभी जैसे आपने देखा होगा कि बैंकों का निजीकरण का कदम उठाए जा रहे हैं, और जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम है उन सभी को निजीकरण किया जा रहा है। और खासकर आज का जो प्रदर्शन है वो, और आज हमारी दो दिन की स्ट्राइक थी, आज उसका दूसरा दिन है बैंकों का, जिसमें बैंकों की हड़ताल है। और उस हड़ताल का एक ही मुद्दा है, एक ही कारण है कि सरकार ये सारी बैंकों को धीरे धीरे करके निजीकरण की ओर ले जा रही है। अभी फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया और जो दूसरी बैंक IDBI वगैरह, उनका नंबर आया है, कल को सारी बैंकों को निजीकरण कर देंगे। निजीकरण करना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। पुरानी सरकारें भी थी और उन्होंने आज तक कभी इस तरीके के कदम नहीं उठाए, और ये सरकार जो है हर सरकारी संपत्ति को बेचने की ओर ले जा रही है। निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट लोगों के हाथ में सारी चीज़ें दे देंगे तो वो अपनी मनमानी चलाएंगे, और जनता का जो हित है, क्योंकि सरकारी बैंकों का मतलब होता है जनता के हित के लिए, और जनता का जो हित है वो खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। वो उनको सिर्फ धन कमाना और पैसा कमाना ही एक उद्देश्य रह जाएगा। जो मानव सेवा का जो वो है, वो भाव उनमें खत्म हो जाएगा। आज सरकारी बैंकों के माध्यम से ही मानव सेवा का जो हम काम है वो कब कर रहे हैं, और जब पूंजीपतियों के हाथ में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी तो मानव सेवा का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य रह जाएगा। हम सरकार से यही सवाल करना चाहते हैं कि निजीकरण के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे हम देश को इस कठिन दौर से निकाल सकते हैं। निजीकरण करना मतलब ये मान लीजिए कि अपने घर को बेच देना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम ये समस्याएं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है कोविड के चक्कर में, उनको हम दूर कर सकते हैं। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी, सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, तो हम जो हमारे जो मुख्य यूनिट्स हैं उनका जैसा निर्देश रहेगा, हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर भी चले जाए। अभी तो सिर्फ दो दिन की हड़ताल है, और अगर जो हमारे ऊपर लीडर्स हैं और जो हमारी यूनिट्स हैं मेन, उनका निर्देश रहेगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। प्रदीप सिंह तोमर है, मैं कैनरा बैंक से हूँ।